में हासिल आया है। तो इसमें आपको पैरेलल पार्क मिलेगा, परपेंडिकुलर पार्क मिलेगा, मतलब वो ऑटो पार्किंग वाला सिस्टम भी है अपना, ये अपना परपेंडिकुलर पार्क है ऐसे जाके ऐसे, और ये पैरेलल पार्क है अगर हमें मतलब साइड में दबानी है गाड़ी, और ये पार्क एग्जिट है अभी, ये पार्क एग्जिट, और अभी अपने ये पार्क एग्जिट पे जाके क्या क्या कहती है, सिलेक्ट आर एंड वेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, रिवर्स। अच्छा तो अभी हम आर पे करते हैं और ये गाड़ी चल दी भाई पीछे, खम्बा बंद लग जाए अपना आप ही बस। अच्छा सिलेक्ट डी एंड अवेट फॉर इंस्ट्रक्शंस। अच्छा कहाँ जा रही है? अरे बस रुक रुक भाई, मैं इसके भरोसे नहीं बैठूंगा, रुक रुक आगे। अब कोई नो इंस्ट्रक्शंस, पहले उसको पार्किंग जगह दो ना। अच्छा अरे बिडू आपने ऐसा नहीं बताया, तो अभी हम पैरेलल पार्क में जाते हैं। ऑलरेडी पैरेलल पार्क में, पैरेलल है ये? हाँ ये पैरेलल है, हम खड़े ऐसे जाएगा पैरेलल ऐसे है? इधर ना। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या कह रहा है, सर्चिंग फॉर पैरेलल पार्क, पैरेलल पार्क सर्च कर रहा है अपने आप सेंसरों से। अच्छा तो आधे नहीं मिलेगा बिडू, इसका से शूट करियो ना ऐसे लेके, और ये शूट जो कर परपेंडिकुलर जाते हैं, हाँ, हाँ, स्टीयरिंग अपना स्टीयरिंग दिखाया मैंने, दिखाया है ये परपेंडिकुलर पार्क सर्चिंग कर रही है अभी कार, और परपेंडिकुलर पार्क पहले आगे ले ले, ये परपेंडिकुलर पार्क हो जाएगा इसके लिए। हाँ तो एक मिनट हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं एग्जिट, और अभी हम जाते हैं डी पे, एक मिनट अभी हम जाते हैं आर पे, और अभी इसको लेते हैं पीछे। और एक और चीज़ है, जैसे ही आप आर पे जाओगे तो जो आपके साइड हो आवीएम से वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, और आप जो आपकी साइड विजिबिलिटी है वो आप बहुत इजीली देख सकते हो, तो ये एक बहुत बेस्ट फीचर लगता है। देखो जैसे ये अपने अभी ये ड्राइव पे किए थे ऊपर की तरफ टिल्ट हो गए, और अगर मैं इनको आर पे करूँगा तो ये नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, तो मतलब जो अपनी बॉडी लाइन है साइड की बॉडी लाइन है वो बहुत ईजीली विजिबल हो जाती है। और अभी अपन इसको डी पे करके और इधर चलते हैं, यहाँ पे ये अपन यहाँ पे आ गए, और अब हम इसको देते हैं परपेंडिकुलर पार्क, हम गए इसमें, हमने इस पे गए और ये हम परपेंडिकुलर पार्क देते हैं इसको, सर्चिंग फॉर परपेंडिकुलर पार्क सर्चिंग, ढूंढ ले बिडू ढूंढ ले। लाइन डिटेक्ट करा है ये। हाँ पर पैरेलल होगा, पैरेलल कर ले, पैरेलल भी नहीं कर रही, लाइन डिटेक्ट करती है। हाँ लाइन, अच्छा तो ये भैया लाइन डिटेक्ट करती है जो अपने पास नहीं है, याद ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आपको नेविगेशन आएगा 8000 का मैक्स आरपीएम आएगा, वो छोड़ो। और अभी अपन इसके वॉल्यूम कर देते हैं कम, और यहाँ पे इसको कर दो एग्जिट, और इसमें आपको 8000 का मैक्स आरपीएम दिखाएगा, फुल डिजिटल आपको डिस्प्ले मिलेगी, बोनट ओपन है वो दिखाएगा, प्रेस ओके टू क्लियर, 8000 का मैक्स आरपीएम है, और अपनी फ्यूल गेज दिखाएगा, ये फ्यूल गेज है हाफ टैंक है, एंड टेम्परेचर गेज दिखाएगा, टेम्परेचर मीटर, उसी के साथ साथ यहाँ पे नेविगेशन है, और यहाँ पे ये अभी हम इसको ओके करेंगे तो ये वेलार के साइड वो आ गई, ये व्हीकल इन्फो आ गई, व्हीकल इन्फो में स्नो वार्निंग एंड टायर इन्फॉर्मेशन पे अगर हम जाएंगे तो टायर प्रेशर पे गए, ये इसके सीन्स है, ये टायर के सीन्स है, मतलब कि जो लेफ्ट फ्रंट है उसमें 34 PSI है, इसमें 35 PSI है, और सब में 34 PSI है, होनी 35 चाहिए, तो ये सीन्स है। और ये क्या है, लोड लाइट हैवी, ये जान सकते हैं, और ये लास्ट अलार्म, ये व्हीकल विन, ये भैया ये व्हीकल विन है, और अभी हम जाते हैं इसमें, ये पैसेंजर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग में जाके यहाँ से हम ओके, तो कुछ ये सीन्स है, ऑन ऑफ कर सकते हैं,
बाकी ये हम छेड़ेंगे नहीं, ये सिक्योरिटी फीचर्स है, ये सिक्योरिटी फीचर्स है, ये एक्सटीरियर लाइटिंग है। अब यार कहाँ जाता है, ये डिस्प्ले है, लेफ्ट इन्फो पैनल, ये राइट, ये लेआउट, ये यूनिट, ये कार ऑफ। एक तो ये टच पैनल है, तो मतलब कभी कभार ऑटोमेटिकली ये दबाने पे ही वैसे ऊपर जाता है, कभी कभार मतलब ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाता है। ये मैप है यहाँ पे, अच्छा मतलब ये लेफ्ट और राइट वाला सीन है, यहाँ पे मैप है, इधर मैप दिखा रहा है। राइट इन्फो पैनल पे ये ट्रिप समरी और मीडिया, मतलब अगर मैं ट्रिप समरी पे ये मैंने मीडिया पे किया तो भैया चेता तेरा चल रहा है सज्जन अदीप का। हम मैप ही कर देते हैं इसको और बाकी जाते हैं। अब ये लेफ्ट इन्फो पे जाते हैं, तो लेफ्ट इन्फो पे अच्छा ऐसे, ये मीडिया और ये मतलब हम जो भी चाहते हैं, अभी ऑफ है तो हम एक काम करते हैं इसको मीडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, या मीडिया कर लेते हैं हम सेलेक्ट, और मतलब जब हम ये सब कुछ हटा देंगे तो मीडिया आ जाएगा यहाँ पे। ये ट्रिप बैंक है, ट्रिप बैंक अगर हम चेक करें तो ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ट्रिप ऑटो, ओके। स्टीयरिंग असिस्ट, इसमें क्या सीन्स है, लेन कीप असिस्ट एल के ए, क्या चीज़ है ये, इससे ही वो होती है ऑटो ड्राइविंग। अच्छा अच्छा ये ओके, इसे लेन कीप असिस्ट, अच्छा वो जो अपनी लेन को असिस्ट करता है कि कहाँ पे, जो ऑटो पार्किंग के लिए ये वो सीन है। बाकी अच्छा अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर लेन डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर अपने हिसाब से मतलब पार्किंग करेगा सेंसर्स के हिसाब से, जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे, तो वो सीन से इसमें। यार हट जाना, क्यों परेशान कर रहा है, वो कर ले बार क्या क्लियर, वो बटन दबा के क्लियर, फोकस फोकस है ये अपना। यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो आ गया, और सामने से आ रही है भी है एक्सयूवी, तो इसको देनी पड़ेगी अपन को जिगा, तो अभी अपन इसको पीछे ले जाते हैं। ये आ गया पार्किंग, जैसे ही मैं पी पे करूँगा, चलिए एनसीएस के गाने, एनसीएस चल रहा है। तो ये म्यूजिक सिस्टम एक बार बहुत ब्लूटूथ वेदर हार सिनालिन बाकी यहां से मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूं, ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल, यहां पे ये आईफोन और ये क्या है, ये क्या चीज है, फोन कनेक्ट है ना, अच्छा फोन कनेक्ट है। यहाँ पे क्लाइमेट, अच्छा यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे व्हीकल और यहाँ पे क्लाइमेट, क्लाइमेट पे जाऊँगा तो ये क्लाइमेट आ गया, ये चल रही है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो गए, ओके। यहाँ पे जो अभी अपना फोन वोन कनेक्ट है वो सीन्स है, यहाँ पे व्हीकल आ जाता है, व्हीकल पे इको मोड, और ये ऑटो पे अगर मैं कर दूंगा तो ऑटो हो जाएगा, ऑटो ट्रेन रिस्पॉन्स सिलेक्टेड, ये इको इको प्रोग्राम सिलेक्टेड, और ये अपना डायनेमिक प्रोग्राम सिलेक्टेड, एंड ये अपना कंफर्ट प्रोग्राम सिलेक्टेड, ओके इसमें आपको कंफर्ट मिलेगी। क्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम सिलेक्टेड, पता नहीं क्या क्या, ये मड रेड प्रोग्राम सिलेक्टेड, ये मड के लिए, और ये अपना आ जा बेडू, ये सैंड है,
तो जैसलमेर के लिए। बाकी यहाँ पे ऑफ ऑन के यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ अच्छा ऑटो स्टॉप, अच्छा ये अपना वो ऑटो स्टॉप वगैरह है कि जैसे ही हम मतलब पी पे करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी और वो सीन्स है। ये क्या है, ये सिलेक्ट गियर ATPC रेडी। अच्छा इसमें सिलेक्ट गियर करने पड़ेंगे, हटा दो इसे। ये पहाड़ वगैरह, ये यहाँ पे डू नॉट एक्सीड व्हीकल लिमिट एंड कैपेबिलिटीज क्या है, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे इस डिस्प्ले की सेटिंग्स आ जाती है, कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे चले जाते हैं हम दोबारा से। यहाँ से आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी डबल जोन, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये सोर्स है यहाँ पे रेडियो, जो मतलब आपका वहाँ पे आ रहा है वो आप यहाँ पे भी, जैसे रेडियो रेडियो आ गया। और अगर मैं इसको हटाता हूँ दोबारा से सोर्स में जाता हूँ, तो अगर मैं आईफोन पे जाता हूँ तो ये आईफोन आ गया। और बस भाई बाद में सुनेंगे तेरे को। और ग्लो बॉक्स देखे तो ये इसका ग्लो बॉक्स है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। लॉक का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी मिलेगा, लॉक अनलॉक करने का, पीछे नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे आपको बस लॉक है, बस वहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ खोलने का ऑप्शन और शेड खोलने का ऑप्शन, उसी के साथ साथ यहाँ पे SOS की लाइट है और ओके बटन है, ये बटन है SOS का। यहाँ पे आपका ये इमरजेंसी कॉल के लिए है कि आपकी कार अगर ब्रेक डाउन हो जाती है कुछ भी, तो उसके लिए आप यहाँ से बटन दबा के और कॉल कर सकते हैं, क्यों परेशान करें। यहाँ पे आपकी पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का सिस्टम है, ये इसका रियर व्यू मिरर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अनहेंस लुक है, मतलब दिल आने वाली बात है। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिलेंगे ऊपर, यहाँ पे आपको बूफर मिलेगा एक, यहाँ पे आपको सेंसर्स मिलेंगे रेन डिटेक्ट करने के और कि ऑटो ऑटो हेडलैम्प्स के